यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे रिकॉर्ड लगाई तो ये हमारे जनरल कश्मीरी पंडित्स के बहुत सारे इश्यूज वो सबको मालूम है, वो पेंडिंग हैं, बड़े वर्ष से पेंडिंग है, 32 साल से विस्थापन हुआ है। तो ये इश्यूज इतने वर्ष से इकट्ठे हो गए हैं और इनका समाधान अभी हुआ नहीं, तो इनका समाधान करने के लिए हम इंतजार करते हैं और आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ इसलिए रखी है कि ताकि हम अपनी बात जो है वो सरकार तक पहुँचा सकें। और इस टाइम पे सबसे संवेदनशील मसला ये है कि हमारे जो पीएम पैकेज के और अदर एम्प्लॉयज़ पिछले 7 महीने से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे बैठ के वो अपनी जान की गुहार वो लगा रहे हैं कि भाई हमारी जो जानें हैं वो खतरे में हैं, तो इसलिए हमारे को वहाँ पर इन हालात में नौकरी करने के लिए मजबूर ना किया जाए। और बात भी जेन्युइन है क्योंकि सबको मालूम है कि कश्मीर के हालात जो इस टाइम हैं, जिसमें जहाँ पे टारगेटेड किलिंग्स इतने महीनों से चल रही हैं, इतने साल से चल रही है, अब तो लगभग 2021 के बिगिनिंग से ही थोड़ा बहुत शुरू हो गया था और 22 के बाद तो बिल्कुल ही चलता रहा, तो इतना कुछ होते हुए साथ में TRF की जो थ्रेट्स और वार्निंग लेटर्स 3-4 अभी तक निकल चुकी हैं, बाई नेम भी निकली हैं। और हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि भाई इतनी संवेदनशील जो ये मसला है इस पे संज्ञान लिया जाए और जो इस टाइम प्रॉब्लम खड़ी हुई है उसका समाधान इमीडिएटली कर देना चाहिए, क्योंकि जिस भी मसले को आप लिंगर ऑन करते रहेंगे उसमें नए नए आयाम जुड़ते रहेंगे और कई लोग उसमें उसको पॉलिटिकली भी उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। और हमने ये देखा कि पिछले 7 महीने से कड़कती धूप में और आज इतनी ठंड में सब लोग वहाँ बैठे हुए हैं, सड़कों पे बैठे हुए हैं, जो कि हम सब के लिए नहायत ही एक कंसर्न की बात है। मैं वो इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्ड्स नहीं यूज़ करना चाहता, क्योंकि सवाल यह है कि हम इस यूटी की रियाया हैं और हम सब कंसर्न हैं कि जो यूटी की गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इस बात की चिंता ज़रूर होगी, लेकिन हमें इस टाइम रिजल्ट्स चाहिए, क्योंकि 7-7 महीने से अगर सैलरीज लोगों की रुकी हुई हैं और यहाँ पर उनके फैमिलीज यहाँ रहती हैं, उनके घर कैसे चलते होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट इस टाइम है कि इन सब लोगों की 7 महीने की जो सैलरीज हैं वो 31 दिसंबर से पहले पहले रिलीज़ हो जानी चाहिए। वो एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा कि भाई सरकार हमारे इश्यूज की तरफ पूरा जिम्मेवारी से वो इस बात को समझती हैं कि हमारा वेलफेयर उन्होंने देखना है। दूसरी बात यह है कि उसके बाद चाहे वो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे अदर एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ हैं, क्योंकि हम कश्मीरी पंडित सभा अम्फला जो 100 साल से भी ज़्यादा की एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमेशा ऐसे संवेदनशील मसले जब आते रहे हैं तो हम लोग उस पर संज्ञान लेते रहे हैं और उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करते रहे हैं। तो ये सब देखते हुए हम चाहते हैं कि इन एम्प्लॉयज़ के साथ, चाहे वो रिजर्व कैटेगरी हों, चाहे वो दूसरे एम्प्लॉयज़ हों, चाहे पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हों, उनके साथ माननीय गवर्नर साहब खुद बैठ के बातचीत करें, उनके साथ एंगेजमेंट करें और इस मसले का हल निकालें, क्योंकि इन हालात में वहाँ जाना तो इम्पॉसिबल लगता है, सिक्योरिटी की गारंटी कोई दे नहीं सकता है। तो उसके बाद जब हालात ठीक होंगे तो ये सब एम्प्लॉयज़ जो हैं वहाँ पर अपनी अपनी जगह पे वापस चले जाएंगे।